भाई साहब कमेंट करके बताना कि हमारा छत्तीसगढ़ कितना खूबसूरत है भाई। नाव लेके आएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाता है जहाँ पे पानी गिरते रहता है। बहुत बढ़िया यार। ट्रेवल चल रहा है ना ये तो, मतलब हालत ही खराब भाई। गाड़ी का हालत चेक करो गाइस, बहुत ही गंदा हुआ पड़ा है। गाड़ी तो गाड़ी, इंसान भी हम लोग काले वाले पूरा ऐसी तैसी हो गए हैं सब लोग। हिमांशु भी चारत हो गए। हम अपने आदमी ठोक बे तो भाई साहब यह है एंट्री ही इधर। मस्त बहुत ही कलाकृति वगैरह दिखने वाली है। बस्तर का पूरा आर्ट दिखने वाली है। देखो ये पूरा हैंडमेड है, इतना तगड़ा लगता है ये। देखो सब भाई हैंडक्राफ्टेड रहता है, ताबड़तोड़ पूरा यहीं से, यहीं के लकड़ियों से बनाया जाता है। ये देखो एक नंबर लग रहा है ना, एक नंबर भाई, पूरा लकड़ी का ही। चलो अंदर चलते हैं, मस्त चीज दिखाता हूँ। कहाँ देखो, अरे अंकल मस्त पाउच, ये देखो अंकल हिला रहे। बस लॉज भी है मस्त, अपन दूर से आओगे तो फिर रुक भी सकते हो। ये देख रहे हो लॉज होटल वगैरह सब मिलेगा, बाहर में भी है ऐसे होटल। कैसे यार, ये हनी ध्रुव यहीं रुकता था आके, हमेशा यहीं सुसु करने आता था डेली। तो हेलमेट वाला सूरज ठाकुर भाई, क्या ही सजा के रखा है। ये देखो कोल्ड ड्रिंक पूरा स्टॉक रखा है पर चलो सब एक्सपायर तो इधर से अंदर घुसेंगे। चलो भाई, तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और ताबड़तोड़ नज़ारा देखने के लिए तैयार हो जाओ भाई। ये शिवलिंग बहुत ही बढ़िया लग रहा है महादेव जी। ये देखो बहुत ही तगड़ा और बहुत ही खूबसूरत। वाह, वैसे पानी अभी कम है भाई, बारिश 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 नहीं हुआ है ज़्यादा, उसके बाद भी खतरनाक टाइप से पानी चल रहे है। देखो तो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है, मजा आते किशन दिखा थे यार है भाई, एक नंबर लग रहा है मजा। देखो आसपास मस्त नज़ारा है, रिजॉर्ट है बहुत ही तगड़ा, एकदम मस्त शांति प्रिय जगह है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। आप अपने फैमिली के साथ आराम से घूमने आ सकते हो। इधर देखो अच्छा खासा माहौल रहता है वीकेंड में, तो इधर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, अभी तो बहुत ही कम है। वाह, यहाँ सेल्फी लेना मना है जो पाए वो यहीं पे फोटो खिंचवा रहे। और देखो जहाँ पे जो चीज़ मना रहता है ना, वहाँ पे सब वही चीज़ें करते हैं हमारे हीरो डॉन जी। यहाँ पे बहुत ही दूर दूर से अपने भाई लोग, मतलब इतने सारे लोग घूमने आते हैं ना, बहुत ही तगड़ा लगता है नज़ारा। और ना जब बोटिंग करते हैं ना, तो फिर बता रहे हो इतना खतरा टाइप सा बोटिंग होता है। इधर से नाव लेके आएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाता है जहाँ पे पानी गिरते रहता है, और मस्त नाव ऐसे ऐसे डगमगाते रहता है, पता है बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो तेरा जाने का मन था क्या? जाएगा, मेरी बस फट रही है यार। अच्छा बोटिंग नहीं चल रहेगा आज, पता नहीं, अभी तो पानी बहुत कम है भाई, इतना मतलब चारों तरफ से ऐसा पानी रहेगा ना कि हालत ही खराब हो जाएगा। ये क्या है, छीवे? अच्छा कीड़ा, एक नंबर कीड़ा यार, तेरे छी यार, क्या गंदा आदमी है। ऐसा बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही ताबड़तोड़। तो ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, मजा आ रहा है। नहीं या गर्मी लग रही, तू नहाया नहीं है ना यार? तो यार अगर हम लोग इधर बगल में खड़े रहते हैं, मस्त बारिश मतलब ऐसा जब पानी गिर रहा होता है ना, तो फिर मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है आजू बाजू, पता है मस्त सुकून, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है यार। तो चलो आगे का और नज़ारा दिखाता हूँ, इधर क्या रेस्ट हाउस, आगे चले गए थोड़ा घूम के आए राउंड मार के, बस किसी को देखना है। अब कितना ही बढ़िया लग रहा था, चलो आगे भी गार्डन टाइप जगह है, उसको जाके दिखाता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग रहते हैं, चित्रकूट वाटरफॉल तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई छत्तीसगढ़ में, इसको कौन नहीं जानता। तो चलो भाई साहब चलो आगे दिखाता हूँ। अभी देखो बहुत ही तगड़ा माहौल रहता है भाई वीकेंड के दिन में और ही ज़्यादा। कैसे यार, मस्त। अगर फैमिली के साथ आओगे ना, तो ऐसा फोटो प्रिंट निकालने वाला भी सिस्टम है भाई, सब जगह आजकल हो ही गया है सब चीज़, ताकि यादें ताज़ा रहे। हम लोग तो अब फोन रखे हैं तो वीडियो बना के रख ही लेते हैं, बाकी एक प्रिंट करवा के रखना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि घर में अपन मस्त सजा के रखते हैं।
है ना, बहुत अच्छा लगता है। भले जमाना कितना भी मतलब आए नया हो जाए भाई, लेकिन ये जो फोटो खिंचा कैसे जब रखेंगे ना, बहुत ही बढ़िया लगता है। क्योंकि उसको अपन घर में रख सकते हैं, कभी भी मेमोरी कार्ड डिलीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हो सकता है, लेकिन ये फोटो कभी नहीं जाता, बहुत ही बढ़िया लगता है और याद ताजा कर देता है यार। क्या हो गया यार? खूब अंकल लोग का पूरा गैंग, ये डॉन भाई सब लोग फुल फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। ये क्या है भाई? ये मुर्रा है पता ही है क्या चीज? ये तिखूर है वो, धूप 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 है धूप भाई। एकदम प्रॉपर ना जंगल से निकाल के लाते हैं, पेड़ पौधे से एकदम एकदम ओरिजिनल रहता है। बस्तर में आप जिधर भी घूमोगे ना, इधर एरिया में आपको यहाँ की संस्कृति दिखाई देगी, यहाँ का आर्ट, यहाँ का कल्चर दिखाई देगा भाई। ये दिख रहे हैं बहुत ही बढ़िया। आप ये देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे देख सीढ़ी को भी ना एकदम ऐसा बनाया गया है कि पेड़ पेड़ का बना हुआ है। ये देखो मतलब यहाँ का कल्चर को प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही बढ़िया यार। ये देखो हमारी जो माताएं लकड़ी ले जा रही है, मतलब जितने भी जंगल का जो इधर का जो एरिया है ना, मस्त जंगल से हर चीज परिपूर्ण हो जाता है। मतलब इतना सारा लाइट लगा है, एक नंबर। देखना इधर से और कितना दूर जाते हैं, थोड़े देख के आते हैं फिर। बहुत बड़ा लॉज है भाई, एक नंबर मस्त। यहाँ रुकने उकने के लिए अच्छी व्यवस्था है सब जगह, और ताबड़ तोड़ अच्छा है यार सब चीज मस्त। अभी आजकल अच्छा खासा डेवलपमेंट हो गया है ना देखा जाए तो भाई, यहाँ से वाव भाई जितना दूर जाते जा रहे हूँ और अच्छा लगते जा रही है। देखो पूरा उड़ रहा है, ये जो पानी है बहुत ही बढ़िया। वाव भाई इतना खूबसूरत नज़ारा के बीच में आप चील करोगे, कितना मस्त लगे। इधर भी है बहुत सारे फैमिली मेम्बर लोग आए हुए हैं, मस्त बैठ के नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं भाई। यहाँ से बोटिंग भी होती है बट आज बंद है, क्या है पता नहीं यार, नाव नहीं दिख रहा। जिसको भी आना है ना, मतलब थोड़ा हिम्मत होगा तब आना, क्योंकि बता रहा हूँ नाव को ना सीधा वहीं पर ले जाता है, जस्ट वहीं पर मज़ा आ जाता है भाई। कहाँ जी, मजाक मत कर यार। अरे बाप रे भाई, बड़े जान फोटो यार, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे मेन डिश है भाई फोटो। और एक आपका ये हो गया बोड़ा, इसको भी दर्शाया गया है ना। हर चीज जो छत्तीसगढ़ में फेमस है या तो फिर बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, वो सब चीज को दर्शाया गया है भाई। जो बस्तर में मेन जो पाया जाता है उसको सबसे अच्छे तरीके से और दर्शाया गया, बहुत ही बढ़िया हर जगह। ये किसका है चित्र उसका? ये देखो भाई यहाँ का मैप देख लो चित्रकूट का। अब इधर भी और रास्ता है लेकिन अपन लोग फिलहाल नहीं जा रहे हैं। चलो पहले पानी वाला नज़ारा दिखाता हूँ, वहाँ बहुत बढ़िया लगेगा। यहाँ का जो मेन आकर्षण का जो केंद्र है ना भाई, ये वाटरफॉल ही है, चित्रकूट जलप्रपात भाई साहब। हम दोनों लगे थे। अच्छा तो कति कतिक रोजी मिले जी तुम वाला? डेढ़ लाख है। 200 रुपए। अच्छा दो हफ्ता में किसी के घर में बनाना है तो हम बिल्कुल बिल्कुल नंबर देंगे। दो बनिहार ठीक। अरे गए जी, बहुत मेहनत करे हो जी तुम अंतुल बना में, एक नंबर लगा था यार। देखा जाए तो एकदम ताबड़ तोड़ लग रहा है ना, बहुत ही बढ़िया भाई। और दूर से देखो अब वाव, बहुत ताबड़ तोड़। पैसा बचाना था इसीलिए ना। अच्छा पूरा कॉन्ट्रैक्ट तुम ही लोग लिए थे? अच्छा शिवलिंग है यहाँ पे, ओम नमः शिवाय। अरे अच्छी बात है कि जगह जगह डस्टबिन भी है, तो ना बढ़िया लग रहा है। आप कहीं भी जाते हो बाहर तो फिर गंदा वंदा कर देते हो ना, उसके लिए डस्टबिन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये देखो यहाँ पे भी डस्टबिन है, बहुत बढ़िया। आप रेत तो सूरज बता रहे हैं, लोग जब घूमने आए थे ना तो यहाँ तक, यहाँ रेत को देख के वैसे ही पता चल रहा है ना कि यहाँ तक पूरा डूबा रहता है। मतलब सोच रहे हो इतना ज़्यादा गंदे से पानी रहता है भाई, ये भी डूबा रहता है यार। ये तो देखना, देख के ही पता चल रहा है यहाँ पे रेत है, रेत है, मतलब यहाँ तक पूरा पानी भरा होता है भाई, खतरनाक। ये अभी तो हम लोग नीचे उतर पा रहे हैं, जब अभी बरसात अच्छे से स्टार्ट होगा ना फिर देखना, बहुत ही गंदा। ये तो कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरे पेड़ पौधे लोग डूब जाएंगे। और इधर क्या बोलते हैं, सूरज सुसु करके पानी बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये देखो इधर से अपन नीचे उतरेंगे फिर आगे जाएंगे, कितना बढ़िया लगता है भाई साहब। आगे ही पता चलेगा, अंकल भी आ रहे हैं, मस्त देखो इधर। अब देखना भाई कि हम लोग क्या देखने आए हैं। ये वाव बहुत बढ़िया यार, एक नंबर नज़ारा यार, ताबड़ तोड़। यहाँ पे मस्त आओ बैठो और इस नज़ारे का मज़ा लो यार। मैं भी यहाँ पे बैग रख देता हूँ और नज़ारे का मज़ा लेता हूँ भाई। ये बहुत बढ़िया यार, बहुत ही ताबड़ तोड़ लग रहा है। तो कैसा
कैसा लगा? हेलमेट उतारते ही ना इतना मस्त आनंद की प्राप्ति हुई है भाई, मतलब इतना ज्यादा ठंडा हवा टाइप चला है ना, मजा ही आ गया। एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है पानी के बगल में आने के बाद, और बहुत ही बढ़िया। इधर भी आए हुए मस्त फोटो खिंचवा रहे, एकदम ताबड़तोड़ खुशी। ये मतलब स्टोरेज फुल कर देना है आज फोटो खिंचवा खिंचवा के मतलब। भाई साहब कमेंट करके बताना कि हमारा छत्तीसगढ़ कितना खूबसूरत है भाई। यहाँ पे अब चलो बैठते हैं हम लोग भी, थोड़ा मजा वजा करेंगे फिर निकलेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है नज़ारा, है ना भाई। मतलब असली जो सुकून है ना सिर्फ यहीं है, पता है, जंगल के बीच में पेड़ पौधे हो गए और पानी जहाँ पे झरने वगैरह हैं वहाँ पे बैठने में ना एकदम सुकून मिलता है। बहुत ताबड़तोड़ वाली फीलिंग आती है, बहुत बढ़िया लगता है। अभी इधर भी देखो फैमिली वाले लोग आए हुए हैं, मस्त मजा कर रहे हैं सबके साथ। और छोटा बच्चा है ना, मस्त खेल रहा है एक जन, उसको पानी में डुबा दिए उसके पापा, और मस्त उसको क्या बोलते हैं फोटो वीडियो ले रहे हैं। और हमारे भी कलाकार क्रिएटर लोग ये देखो फोटो वोटो खींचने रील बनाने में बिजी हो गए हैं पूरा। तो कैसा लगा आपको हमारा छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात भाई, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं भाई ताबड़तोड़ जगह है यार, प्लीज़ एक बार विजिट करने जरूर आना, आपको मतलब एकदम ही सुकून मिल जाएगा भाई ये सब चीज़ को देख के, पता है बहुत बढ़िया लगता है। तो भाई साहब बताना कि ये क्या है, बहुत ही ताबड़तोड़ एकदम कट्टा लगे भाई। मैं छत्तीसगढ़ के भाई मन बताओ एक आ रहे एक नंबर लगे। और ये हो गया आम एक नंबर भाई, और यह तिखूर, तिखूर गलत है यार, तब पूरा कॉम्बो पैकेगा, मस्त खट्टा लगा है भाई कुसुम। मस्त इसमें नमक मिर्चा मिला दिया ताबड़तोड़, वो कर्री मत हो जाए भाई, देख के ज्यादा मत खाओ, अपनी हरकत है उसको बाज ही नहीं आता। ये देखो चिराई जाम मिलीस, अरे यार एक नंबर चिराई जाम, प्रोटीन से भरा हुआ। रे चिड़ई आम रे तो जीबला जी खान जी जीबला पूरा लाल लाल, चिड़ई आम खाने के बाद जीब लाल नहीं हुआ तो क्या मतलब ना यार निहाल। मैं बोट के बारे में बात कर ही रहा था, ये देखो बोट दिखा और कितना ज्यादा उफान खा रहा है, देखना देखना चाहोगे ये देखो ये बोट, मतलब सॉरी नाव नाव का था नीला, ये देखो खेर है। और ये ना पूरा देखो कितना ऊपर नीचे हो रहा है, ये ना यहाँ तक भी ले जाते हैं लोग, यहाँ तक हालत ही ख़राब हो जाती है भाई। बहुत हिम्मत चाहिए, मेरे को तैरना नहीं आता तो मैं नहीं जा रहा हूँ। जो भी भाई लोग घूमने आएंगे और तैरने आता होगा ना प्लीज़ चले जाना घूमने, बहुत ही ताबड़तोड़ होने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा। तुम मेरे भाई लोग जी भर के पैसे कमाओ, जी भर के मेहनत करो, और जब भी मौका मिले ना ऐसा लोकेशन इंजॉय करना, मतलब बिल्कुल भी मिस मत करना भाई, एकदम ही ताबड़तोड़ लोकेशन ऐसा जाना और बहुत ही तगड़े से इंजॉय करना। मेरे जैसे भी दोस्त हैं ना एकदम ताबड़तोड़, दोस्त नहीं बोल सकते भाई इनको, भाई बोलते हैं, तो फिर ऐसे भाई बनाओ मस्त और घूमने जाओ भाई, बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलती है। तो ऐसे ही मेरे वीडियो एंजॉय करते रहना भाई, जो हमारे भाई लोग हैं ना बहुत ही तगड़े से साथ देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ना जैसे दोस्त और भाई मेरे को मिले ना आप सबको भी ऐसा मिले, और ज़िंदगी में बहुत खुश हो और तगड़े से पैसा कमाओ भाई एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, क्योंकि ज़िंदगी भाई एक ही बार मिलती है। और दुनिया घूमना है अपने को, पूरा दुनिया एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आज पैदा हुए कल मर जाएंगे भाई, कोई भी इस चीज़ को कौन जानने वाला है भाई। तो उससे अच्छा अपने मस्त मगर रहो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो और इन्जॉय करो भाई, और मेरे व्लॉग्स को इन्जॉय तो आप कर ही रहे हो देख के। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही किसी और ना अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप सपोर्टिंग एंड लव ब्रदर।